हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फोर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो थर्ड को क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि अगले टॉपिक में यानी कि आज के बारे में बता रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेसिस पे जो है ना, हमको मटेरियल को क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल आपको वाटर में सॉल्युबल है यानी कि घुलनशील है और कौन सा मटेरियल वाटर में इनसॉल्युबल है यानी कि अघुलनशील है। यानी कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि पानी में बिल्कुल घुल जाता है और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि नहीं भूलता है। ठीक है, इसको हम एक्टिविटी से भी देख लेंगे। ओके, ऑल द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे मटेरियल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, मटेरियल्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे मटेरियल जो कि पानी में घुलनशील है। मटेरियल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे मटेरियल जो कि पानी में अघुलनशील है, जो कि घुलता नहीं है। ओके, तो इसमें जो है ना, मटेरियल्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, इसका जो हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक टेस्ट स्पून, एक चम्मच क्या करना है, शुगर लेना है। और सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब में जो है क्या करना है, आधा टेस्ट ट्यूब जो है ना वाटर से भर देना है। इसको किसे भर देना है, वाटर से। वाटर से भरने के बाद क्या करना है, इसमें एक चम्मच वन टेस्ट स्पून क्या करना है, शुगर इसमें डालना है, डाल दिए। ओके, ये आपका रहा टेस्ट ट्यूब। ओके, अब इसको क्या करना है कि अच्छे से जो है ना सेक करना है, मिलाना है इसको, इसमें शुगर को और वाटर को अच्छे से मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद ये आपका शुगर डिजॉल्व इन वाटर यानी कि शुगर क्या होगा, इस वाटर में मिल जाएगा। यानी कि ये आपको मिल गया क्या, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, और शुगर को बोलेंगे सॉल्यूट। और जब ये दोनों मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसका हो गया, शुगर का, इसलिए इसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। ओके, ये एक्टिविटी करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, शुगर को अपने में मिला लेता है, यानी कि शुगर क्या है, सॉल्युबल है। तो क्या हो गया, तो मटेरियल व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर यानी कि शुगर मटेरियल क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। ओके, और इसका कुछ एग्जांपल, जैसे शुगर सॉल्युबल इन वाटर, कॉमन साल्ट, नमक, ये भी सॉल्युबल होता है, वॉशिंग सोडा भी हम लोग जो यूज करते हो भी, पोटेशियम परमैंगनेट भी सॉल्युबल होता है, कॉपर सल्फेट होता है जिसको ब्लू पेट्रोल भी कहते हैं, एलम फिटकरी भी होता है, मिल्क भी पानी में घुलता है, लेमन जूस, ग्लिसरॉल और एल्कोहल, ये सभी के सभी क्या है, ऐसा मटेरियल है जो कि पानी में घुलनशील है। ओके, सेकंड की चर्चा करते हैं, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, उसको आधा जो है क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल कर देना है यानी कि आधा पानी से भर देना है। ओके, फिर इसमें भी क्या करना है, एक चम्मच, ये वन टेस्ट स्पून क्या करना है, सैंड लेना है और इसमें फिर इसको जो टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, अच्छे से मिलाना है। शेक दी टेस्ट ट्यूब विथ सैंड, तो मिलाए तो इसमें हम देखें कि सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सैंड जो है आपको इसमें वाटर में घुला नहीं, और ये नीचे में आके बैठ गया, ये नीचे में, ये सैंड नीचे ट्यूब में आके बैठ जाता है यानी कि मिलता नहीं है। ओके, तो सैंड इज ए मटेरियल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सैंड एक ऐसा मटेरियल जो कि पानी में इनसॉल्युबल है। ओके, इसका एग्जांपल जो कि पानी में नहीं घुलता है, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट,
सल्फर, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फ्लोर, वैक्स, मस्टर्ड, जितने भी ऑयल हैं जिसमें मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब, ठीक है, पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको जो कि पानी में नहीं घुलता है, वाटर में इन सेल्युलर है, इस कैटेगरी में इसको रखेंगे। ओके, इतना क्लियर है? ओके, ओके, तो कुछ लिक्विड मटेरियल की बात करते हैं और कुछ गैसेज की बात करते हैं जो कि वाटर में सोल्युबल है और इनसोल्युबल है। ओके, तो कुछ लिक्विड मटेरियल ऐसे हैं जो कि वाटर में सोल्युबल है और कुछ लिक्विड मटेरियल ऐसे हैं कि जो कि वाटर में इनसोल्युबल है। ओके, तो सोल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड मटेरियल इन वाटर, जैसे ग्लिसरीन, मिल्क, लेमन जूस, विनेगर, एल्कोहल, ये पांचों जो है, ये पांचों इज सोल्युबल यानी कि मिसेबल इन वाटर, ये सब के सब जो है वाटर में मिक्स हो जाता है। ओके, जबकि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, किरोसिन और पेट्रोल आठ लिक्विड मटेरियल, ये भी लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, ये चारों भी लिक्विड मटेरियल है, विच आर इन सोल्युबल इन वाटर और इमिसिबल विथ वाटर, यानी कि ये चारों जो है ये भी लिक्विड है लेकिन ये पानी में घुलता नहीं है, इमिसिबल है। ओके, जबकि ये पांचों भी लिक्विड है लेकिन ये सोल्युबल है यानी कि मिसेबल है, ये चारों क्या है, इमिसिबल है यानी कि इनसोल्युबल है। ओके, क्लियर है? चलो गैस की बात करते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, ठीक है, दो एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये दोनों गैस जो है वाटर में क्या है, डिजॉल्व है यानी कि सोल्युबल है। ओके, ऑक्सीजन जो वाटर में कुछ एनिमल होते हैं जैसे फिश, मछली और ढेर सारे, वो क्या करता है, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन उसको चाहिए, तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको कुछ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी में जो है ना घुला हुआ रहता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि पानी में रहता है तो उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में करता है। ओके, जबकि नाइट्रोजन और मीथेन, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ये दोनों जो है वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है यानी कि डज नॉट सोल्युबल इन वाटर। ओके, इतना क्लियर है? आपके लिए एक जो है प्रॉब्लम है कि आपको ये प्रॉब्लम करना है। ओके, तो आप कर लोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, करना क्या आपको, क्लासिफाई द फ्लोइंग मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी और इनसोल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, तो सोल्युबिलिटी और इनसोल्युबिलिटी के बेसिस पे आपको मटेरियल को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। इस मटेरियल का मैंने नाम दे दिया है, मिल्क, फ्लोर, वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, चॉक पाउडर, कॉमन साल्ट, शुगर, सैंड, वैक्स, एल्कोहल, एलम, ग्लास, प्लास्टिक, क्यूरोसिन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड कोकोनट ऑयल। तो कुछ मटेरियल का लिस्टिंग कर दिया आपको, जो है ना हम आंसर भी कॉलम भी बना दिए, मटेरियल सोल्युबल इन वाटर इसमें लिखना है, मटेरियल इनसोल्युबल इन वाटर इसमें लिखना है। एक एग्जाम्पल बता देते हैं, मिल्क, मिल्क सूची क्या है, सोल्युबल इन वाटर है या इनसोल्युबल, किस में रखना है, इसमें रखना है या इस पर रखना है, तो मिल्क जो है पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है यानी कि क्या है, मिसेबल है यानी कि सोल्युबल है, तो मिल्क को आप इसमें रखो। ओके, ठीक है, ऐसी सेकेंड वन, इसमें आएगा तो इसमें रखना है, इसमें आएगा तो इसमें रखना है, इसी सबको आपको
फिलअप करना है। ओके, ये आपके लिए टास्क रहा, होमवर्क पढ़ना है, तो आपको इसको कीजिए। ओके।